हेलो फ्रेंड्स, हार्ड रिसेट इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज जानेंगे एक्वा क्लासिक को हार्ड रिसेट कैसे करते हैं। हालांकि ये जो मोबाइल है इसमें की से तो हार्ड रिसेट फैक्ट्री रिकवरी मोड आता नहीं, उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो कैसे करते हैं, चलो आज जानते हैं। पहले तो मोबाइल इंसर्ट कर दो, वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन और पावर, अप डाउन और पावर। इंडेक्स लोगो तक दबाए रखो, फिर छोड़ दो, ये बटन छोड़ दो, वॉल्यूम अप डाउन कंटिन्यू प्रेसिंग। अब सेफ मोड आ गया है। सेफ मोड में आप रिसेट में ट्राई करोगे तो आपका जो पहले से रिसेट में ट्राई करते हैं, फैक्टरी डेटा रिसेट और रिसेट क्या होता है, पहले वाला जो पासवर्ड है वो डालो, ऑलरेडी हम भूल चुके हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। यहाँ पे बैक करके फैक्ट्री डेटा रिसेट में एक सर्च का बटन है, वहाँ पे क्लिक करें और टाइप करें DEV डेवलपर, जो डेवलपर ऑप्शन दिखता है आपको लास्ट में, वहाँ पे क्लिक करें। और USB डेबिंग जो है वो एनेबल करें। ओके, बस ये करके आपको मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे करना है। एक कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करके आपको चेक करना है इसमें ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं। राइट क्लिक, डिवाइस मैनेजर, इसमें जो ADB इंटरफेस है वो येलो में है, मतलब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो उसके लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करें ADB इंटरफेस पे और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें। ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर डिवाइस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें। लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट डिवाइस ड्राइवर ऑन माय कंप्यूटर पर क्लिक करें। शो ऑल डिवाइस रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, हैव डिस पर क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें, इसमें जो लिनोवो ADB है वो सिलेक्ट करें और ओपन करें। ओपन, इसमें लिनोवो कॉम्पोसाइट ADB इंटरफेस है, वहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें, यस दबाएं, वेट करें जब तक इंस्टॉल नहीं होता। विंडो हैज सक्सेस अपडेट योर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। ये ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तभी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अब जाते सीधे कैसे उसको अब रिकवरी मोड में ले जाते हैं फ़ोन को। तो मिनिमल मैं आपको जो फोल्डर बता रहा हूँ, तो मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट वो आपको मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मिनिमल ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वाइट एरिया है, ये वाला वाइट एरिया है, उसे दबा के मैं आपको बताता हूँ। आपको शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है, शिफ्ट दबाया, फिर राइट क्लिक करके जो ओपन कमांड विंडो ही है ऐसा लिखा होगा है, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको एक कमांड टाइप करना है, ये वो कमांड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आपको लिखना है ADV
रीबूट रिकवरी ऐसा लिखना है, फिर एंटर दबाए। देखो ये फोन में वार्निंग आई है, उसको पहले अलाउ करना पड़ेगा। ओके, वो अलाउ करेगी तभी ये कमांड काम करेगा। तो फिर से वो कमांड वाले एरो की से अप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कमांड आ जाएगा। फिर एंटर मारो, देखो फोन रिस्टार्ट हो गया। अब रिस्टार्ट होकर क्या करता है देखो, आप डायरेक्ट रिकवरी मोड में चला जाएगा। आ गया रिकवरी मोड। अब उसको आपको सिंपल मेथड फॉलो करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बस आपको वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है, फिर वाइप डेटा फैक्टर रिसेट को पसंद करना है, चूज करना है, फिर पावर की दबाए कंफर्म करने के लिए। फिर बाद में नीचे आए यस डिलीट ऑल यूजर डेटा, वो पसंद करना है, फिर पावर की दबाए। अभी आप देख सकते हो नीचे फॉर्मेटिंग डेटा, मतलब प्रोसेस चालू है। अब लास्ट में जो करना है रिबूट सिस्टम नाउ, ये हो गया हार्ड रिसेट। अगर आपको ये वीडियो से कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।